नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज देख रहे हैं। चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और धुआंधार चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है। बक्सर के ब्रह्मपुर गांव पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, जहां पर उन्होंने जनता से वोट मांगा और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने की बात कही। साथ ही साथ इस अवसर पर एनडीए के तमाम नेता और बड़े नेता भी मौजूद रहे। सुनिए क्या कुछ कहा है अश्विनी कुमार चौबे ने। मैं हूँ चौधरीपुर में, लगभग छोटी बड़ी 2200 गांव का ये पहरेदार पहरा लगा चुका है। फिर भी कभी कभी किसी किसी गांव में 2-4-5 बार भी जाने का मौका मिला। अभी भी कुछ गांव छूटे हुए, मंत्री बनने के बाद कुछ और व्यस्तता हो गई, लेकिन फिर भी मैं हर सप्ताह हफ्ता अपनी हाजिरी, पहरेदारी, चौकीदारी अपने संसदीय क्षेत्र के गांव में जरूर लगाते रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे गांव जो लड़ाई थे कि आए थे 4 साल पहले आए, फिर से आए, तो मैं प्रयास करूंगा ये संगठन की बैठक के बाद 10 तारीख के बाद, जो मैं अपना बैठक भी कर रहा हूं और बीच में सुबह रात जब होता है तो दौरा भी कर रहा हूं। आगे विधिवत एनडीए के साथ 9 तारीख को एनडीए के साथियों के साथ आज से एक महीना पहले बैठे थे। अब एनडीए के संचालन समिति जो बनेगी उनके साथ 9 तारीख को हम बैठने जा रहे हैं। तो है मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र से इस देश को आगे बढ़ाने का, देश को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, भारत के सामने झुकने के लिए भी तैयार है और उन्हें प्यार से बुलाने के लिए, चाहे वो अरब कंट्री के लोग हो, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, दुनिया भर के देश आज भारत को अपना मान रहा है कि जहां पहले भारत की कोई महत्ता नहीं होती थी, आज भारत के बिना कोई भी देश, भारत के नरेंद्र मोदी के बिना वो अपने आप को कमजोर समझता है। तो अपने द्वारा किए गए कामों का जिक्र कर रहे हैं अश्विनी कुमार चौबे, गांव के नाम गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं वो चौकीदार हूं जिसने इतनी सारी गांवों की रखवाली की है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ, क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।